शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया अर्शदीप सिंह का करियर। टीम इंडिया में नहीं मिली एंट्री, अब क्रिकेट से लेंगे रिटायरमेंट। वर्ल्ड कप के प्लान से बाहर हैं अर्शदीप सिंह। भारतीय टीम को जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करना है। इस दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीमों का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम में अर्शदीप सिंह को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से बीते शुक्रवार यानी 23 जून को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरे में भारतीय टीम इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए टीम में उन खिलाड़ियों को हिस्सा बनाया गया है जो वर्ल्ड कप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वनडे टीम के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम शामिल नहीं किया गया है। साल 2022 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन क्या ODI वर्ल्ड कप 2023 में वे टीम के प्लान में शामिल नहीं है, ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे टीम में उमरान मलिक और मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। इसके अलावा टीम में ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा बल्लेबाज को भी वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन अर्शदीप सिंह कहीं से कहीं तक प्लान में दिखते हुए नजर नहीं आए। उसके बाद काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अर्शदीप सिंह का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि बीच में ये भी अफवाह उड़ रही थी, ये सवाल भी उठ रहे थे कि जल्द ही अर्शदीप सिंह इंग्लैंड टीम की ओर से डेब्यू कर सकते हैं। हालांकि अफवाहें थी, उस पर बाद में ब्रेक लगा, लेकिन अब क्या अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप के जो हिस्से हैं उससे बाहर हैं या नहीं? अर्शदीप ने अब तक 3 वनडे मैच खेले हैं जिसमें कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वहीं फरवरी 2023 के बाद से अर्शदीप ने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली कुछ सीरीजों में अर्शदीप अपनी लाइन लेंथ को लेकर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कई नो बॉल भी फेंके। हालांकि अर्शदीप सिंह के प्रदर्शन की बात कर ली जाए तो IPL में इनका प्रदर्शन काफ़ी जोरदार रहा। IPL में इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अब ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इनके करियर पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अर्शदीप सिंह ने अब तक कुल 3 ही वनडे मैच खेले हैं, और ऐसे में कयास और उम्मीदें जताई जा रही हैं कि उन्हें वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, और डेली स्पोर्ट्स की हर अपडेट के लिए DNP स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।